सबको राम राम। तो आज हमारा भैया सुबह हो चुकी है, हम अपने अपने बंदरों को बच्चों को केले वेले खिला के आ चुके हैं। हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में इटली इटली क्या होता और है? साथ में शाबत बड़ा बहुत ही प्यारा है, बहुत टेस्टी है। अच्छा, बनाया हमारी बिटिया ने, महक ने। इतना टेस्टी, हाँ जरा खा के बताओ कितना टेस्टी है, बताओ बताओ। मजा आ गया भाई, मजा। महक बहुत बढ़िया बनाया, बहुत स्वाद लगा, वाह। तो आज का दिन बहुत बिजी है, आज मंडे जरूर है, गांधीनगर की छुट्टी है, हमारे ऑफिस की छुट्टी है, लेकिन आज मेरे पास बहुत काम है। आंखें भी टेस्ट करानी है अपनी दहरिया की, सुनीता के जरूरी काम भी करने हैं बहुत सारे। सुनीता यादव बहुत जरूरी काम है वो करने हैं, शादियां आ रही हैं तो इनके लिए शॉपिंग वॉपिंग करवानी है, तो बहुत जरूरी। मैंने स्पेशल छुट्टी करी है मंडे, कहीं मैं आज नहीं जाऊंगा। मैंने कहा आज बच्चों कपड़े वपड़े सबकी शॉपिंग वॉपिंग करवा दूँ, फिर मेरे को स्कूल जाना पड़ जाएगा। मेरे पास टाइम बहुत ही कम होता है, अब स्कूल की एडवाइड भी करनी है, बहुत समय कम बच रहा है। तो आज सारा भैया मंडे को बहुत काम है, निपटाएंगे। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाते भी रहेंगे क्या कितना बिजी था आज का दिन। आज का दिन बहुत बिजी है। जय हो गाइस। आज मैंने, आज पापा ने मेरे को चॉकलेट दिए, ये देखो। चलो मैं इसको खोलता हूँ, ये तो साबुन है। साबुन ने तुमको बुद्धू बना दिया, मेरे का चॉकलेट है। कैसा लगा दादू? देखो देखो, समझ के खाया इसने, फिर फेंक दिया तोड़ के, कहता ये साबुन है। हमने आज दादू को पप्पू बना दिया, पप्पू पप्पू लाल। दादू मजा आया, कैसा लगा चॉकलेट? गंदा था पक्का। चलो कोई बात। A few moments later. Hello guys, welcome to my new vlog. तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी आँखों का टेस्ट करवाने। देखो पापा स्कूटी चला रहे, देखो कितना अच्छा नजारा आ रहा है। अच्छा नजारा आ रहा है ना, इसलिए लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिए हाँ। और कमेंट भी कर दीजिए हाँ हाँ। और सब्सक्राइबर भी करें। सब्सक्राइबर नहीं होता, सब्सक्राइब होता। पापा स्कूटी चला रहे हैं आज, बहुत दिनों बाद स्कूटी। पापा कितने में स्कूटी चला रहे हैं आज? बहुत दिनों बाद। अरे फोन आ रहा है, फोन काट दो। हाँ काट दिया। तो हम लोग जा रहे हैं, टेस्ट करवाने। Six and a half hours later. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। भैया अभी तो अब जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पहले वो जाना था हमने, वहाँ क्या बोलते हैं डलवाने के लिए, क्या है, एडब्लू फॉर्चुनर डलवाने जाना था, वो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कल बेटा यहीं ले आना चार पांच केलन, खुद ही डाल लेंगे उसको, हम खुद डाल लेते हैं। फिर अभी मॉल जाना है, कौन से मॉल जाना है? DLF मॉल। अब अमन यादव की कुछ डिमांडे हैं, वो पूरी देखनी है वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। हम तो सबकी यही करते रहते हैं। अब हम जा रहे हैं DLF मॉल, निकल दिए। अब देखिए ये निकल दिए बाहर गीता कॉलोनी से पुस्तक तब, ये पेट्रोल पंप, साई मेमोरियल स्कूल, फिर ये पेट्रोल पंप, दोनों साइड पेट्रोल पंप है, हमारे घर के पास में यही। अब हम जा रहे हैं वरना गाड़ी लेके जा रहे हैं भैया, फॉर्चूनर नहीं लेके जा रहे। पुलिस देखो खड़ी है, रोक दिया इनको यहाँ पे। पुलिस बहुत सख्त है और अच्छी बात है, सख्ती होनी चाहिए। बिना हेलमेट बिना पट्टी के जैसे हमने देखो लगा रखा है, कभी कभी लगा लेते हैं हम भी, तो सख्ती होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया है लगाना, और हेलमेट भी लगाना बहुत अच्छी बात है। तो हेलमेट सब लोग लगाएं, और मैं हेलमेट किसी ने गिफ्ट भी दूंगा। मामा हेलमेट लाने हैं, 500 हेलमेट ला के यहीं पे गिफ्ट करेंगे हेलमेट किसी से। अब हेलमेट हेलमेट की सेवा चलेगी, सेवाएं चलती रहेंगी, सेवा कोई नहीं रुकेगी। ये देखिए दोस्तों, ये गीता कॉलोनी से इन्होंने हाथ से ये उठाया और सीधा मेरठ नॉन स्टॉप। बहुत बढ़िया रास्ता ये बना हुआ है, बहुत कम समय में अभी तैयार हो रहा है, अभी चल ही रहा है काम इस पे। तो हमारे यहाँ गीता कॉलोनी में तो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले यहीं से बनना चालू हुआ था। ये
यहीं से उठा के सीधा इन्होंने उठा के ले जाके मेरठ, मतलब एक घंटा 10 मिनट में मेरठ पहुंच जाएगा बंदा यहाँ से। बहुत ही अच्छे हाईवे बन रहे हैं कम समय में, टोल जरूर लगता है बढ़िया वाला, लेकिन मज़ा बहुत आता है। गाड़ी में ब्रेक नहीं लगती है, गाड़ी की उतनी लाइफ बढ़ती है, सर्विस की जो है लाइफ बढ़ती है आराम से आराम से, जो है बढ़िया सिस्टम सही है। रोड बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, रोड अच्छा बना हुआ, जाम भी नहीं लगता है, टाइम भी कम लगता है, टोल लगे लग जाए उतना पेट्रोल डीजल बच जाता है, ईंधन बच जाता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जय हो, देखिए कितना शानदार रास्ते हैं। बड़े भैया हम सब लोग आ चुके हैं मॉल में, मॉल ऑफ इंडिया। गाड़ी पार्किंग के लिए जा रहे हैं, पार्किंग में ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बहुत नोएडा में ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। शॉपिंग चलेगी, ये देखिए LG का मतलब होता है भैया, LG था नहीं है, ये है लोबर ग्राउंड, LG। अब हम लोबर ग्राउंड में जा रही गाड़ी हमारी, देखो अंधेरा आ जाएगा, गाड़ी लाइट अपना ऑटोमेटिक चल जाएगी, ये सब ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आजकल आ रही हैं, सब ऑटोमेटिक है। अब अंदर अंधेरा आ गया, अब P1 पार्किंग बंद, P1 मतलब लेवल वन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। गार्ड साहब खड़े हैं, सारा दे रहे हैं कि इधर ले जाओ, P2 में ले जाओ। हाँ P2, P1 फुल है यार, अब यही बुरा हाल होता है वैसा, जब आओ P2 P3 वही जाती पार्किंग। जय हो जय हो जय हो। अब यहाँ P2 में आके गाड़ी पार्क करेंगे, पार्किंग करने के बाद फिर लिफ्ट लेके ऊपर जाएंगे नोएडा मॉल। कौन सा मॉल है गुल्लू? DL मॉल ऑफ इंडिया, मॉल ऑफ इंडिया, मॉल ऑफ इंडिया। जय हो। देखो पार्किंग कितनी गाड़ियाँ खड़ी, कोई पार्किंग जगह नहीं है, इतनी फुल पार्किंग रहती है इस मॉल में, फुल रहती पार्किंग, यही लगा रहा यही लगा रहा, बहुत पार्किंग फुल है देखो चारों तरफ। इसमें एक चीज़ और, जो भी लोग यहाँ आए तो ये खंबे के किसी पिलर की फोटो जरूर खींच के ले जाए, ये तो गाड़ी ढूंढते रह जाओगे, हम तो ले जाते हैं, पिलर की फोटो जरूर खींच लो बंदा, गाड़ी ढूंढते रह जाओगे। पिंक एरिया, ग्रीन एरिया, येलो एरिया, सब एरिया बने हुए हैं, पता नहीं चलता, बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, जितने बड़े दिल्ली बनी होगी उतने बड़े पार्किंग ही है यहाँ पे, इतनी बड़ी यहाँ पार्किंग बनी है, यहीं ठोको दो गाड़ी लगा दो। जय हो जय हो जय हो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मॉल में घूम लिए, शॉपिंग हो गई है, पूमा का जूता लिया है, घर पे खोल के दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा जूता है, बहुत कॉस्टली है, घर पे खोल के दिखाएंगे। शॉपिंग हो गई है, अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ, पार्किंग में जा कर के गाड़ी निकलवा के अब चलेंगे घर की तरफ। काफ़ी देर हो गई सब जगह घूमे, अभी सिर्फ जूता ही पसंद आया था, अब फिर नेक्स्ट मछाल दूध प्रति नहीं थी फिलहाल, कह रहे मछाज से ले लो, मैंने कहा मछाज की भी दूध पड़ती नहीं फिलहाल। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम आए थे आज अमन को शॉपिंग कराने के लिए, लेकिन वो उनको उनके हिसाब का कुछ समझ में नहीं आया। 433 किधर है पिंक 433? हाँ 433 433
और हम अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं, अमन तो वहाँ पहुँच गए, हम जा रहे हैं पिंक 433 पे हमारी खड़ी पिलर नंबर पे भी यहाँ बड़ा पंगा होता है। अगर एक बार तो हम उसको खड़ी यहाँ गाड़ी करी हमको भूल गए, फिर तो बस 3-4 फ्लोर ऊपर नीचे है ज़मीन के अंदर सब में ही ढूंढ के परेशान हो गए, तो बड़ा मुश्किल में गाड़ी मिली 1.5 घंटे में। तब से हम फोटो खींच लेते हैं बिल्कुल। अमन मिलते हैं थोड़ी देर में। अब आ गया अपने घर, तो गए थे अमन के लेने के लिए और लेके आ गए अपना, इनको पसंद नहीं आया पूरे मॉल में। देखो ये अनबॉक्सिंग हो रहा है, सूज की अनबॉक्सिंग हो रही है भाई। ये गांठ कैसे लगा दी इन्हें पता नहीं, कैसा धरया की क्या निकल गोलियां कैसे धरू मेरे हिसाब से तो 10 में से 5 तू तो ऐसे बोलेगा ही, रनिंग सूज है ये, क्या बोलते थे नाइट्रो पूमा।